आज जो भाई लोग और जो बहनें पहली बार आए हैं प्रभु यीशु में, हम उन सब का स्वागत करते हैं। यहाँ हर संडे इवनिंग को इस तरह से हिंदी में सत्संग होता है। दुनिया भर के कामों के लिए हम हफ्ते में 6 दिन निकाल देते हैं, 7वां दिन हाथ पे हाथ रख के वेस्ट करने के बदले यदि 7वें दिन आप में से हर कोई घंटा 1.5 घंटा यात्रा को और जोड़कर घंटा 2 घंटा यदि निकाल लिया करें, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको आपके जीवन में अनुग्रह बहुत अधिक मिलेगा। मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ, स्कूल से मैं शहर में रहा था, शहर में पढ़ता था, लेकिन स्कूल हम पैदल जाते थे, घर से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर था। सुबह तो जैसे तैसे चले जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की गर्मी, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो चंबल इलाका है डाकुओं के लिए प्रसिद्ध, मेरी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब उस इलाके की है। इस साल गर्मी के दिनों में 51 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर पहुँचा था। तो स्कूल से जब पैदल आते थे तो कम से कम 2-3 प्याऊओं में रुककर पानी पी पी के आते थे। उस समय छाता वगैरह कहाँ होता था, एक प्याऊ के सामने परमानेंटली उन्होंने जो लिख रखा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो इसके पहले भी वो श्लोक या वो कविता मैं आपको सुना चुका हूँ, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, 2 बातों को भूल मत, एक ईश्वर को, 2 कि हम सबको यह संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हफ्ते में 6 दिन अपन सब कठिन परिश्रम करते हैं। आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं इसमें से ज़्यादातर लोग अपने घर बार, अपने भाई बहनों, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर 2,500-3,000 किलोमीटर दूर आकर रहते हैं। यहाँ का खाना आपके खाने से बिल्कुल अलग होगा, मौसम बिल्कुल अलग है, यहाँ पानी बरसना चालू होता है तो बंद ही नहीं होता है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है। इतने दूर जाकर जब इस तरह से कठिन मेहनत करते हैं, तब मैं सभी भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, 2 बातों को भूल मत। जिंदगी इतनी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और इसलिए हमको थोड़ा सा समय निकाल कर प्रभु की बातों पर ध्यान देना चाहिए। और चूँकि यहाँ हर संडे इवनिंग को इस तरह से सत्संग होता ही है, और चूँकि यहाँ काफ़ी ऐसी मंडली है जो आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करती है, आपके आत्मिक जीवन के बारे में जो मंडली दिलचस्पी लेती है, इस सभा में आना जाना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी लाएं। मैंने कुछ देर पहले प्रभु यीशु के बारे में बोला था, प्रभु यीशु को अपन उत्तर में ईसा या ईसा मसीह भी बोलते हैं, एक ही व्यक्ति के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है। दक्षिण भारत में उनको यीशु कहा जाता है, और इसलिए मैं यीशु नाम का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ईसा मसीह के बारे में। आज से 2000 साल पहले जब ईसा इस संसार में पधारे थे, तो पहले जीवन के पहले 30 साल उन्होंने सेवा कार्य की तैयारी में बिताया। 30 साल की तैयारी के बाद ईसा एक दिन निकल पड़े अपने माँ बाप को छोड़कर सेवा कार्य के लिए। उनकी स्थिति ये थी कि उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए भीड़ टूट पड़ती थी, और कुछ घटनाओं, उनके शिष्यों ने जो घटनाएं लिखी हैं
उनमें से कुछ घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, तब उन घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रभु की वाणी को सुनने के लिए जो लोग पहुंचते थे उसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या 5,000 होती थी। और यदि पुरुषों की संख्या 5,000 होती थी तो स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कितने लोग प्रभु की वाणी के लिए सुनने के लिए पहुंचते होंगे। 3.5 साल के अपने सेवा काल में प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत शिक्षाएं दी थी, जिसमें से एक शिक्षा के बारे में जो प्रभु ने कहानी के रूप में सुनाया था, मैं आज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी लंबी है, उसमें से जो जो पोर्शन हमको सुन लेना चाहिए वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। वैसे ये कहानी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजाधिराज के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। पता नहीं आपने राजाधिराज लोगों के विवाह देखे हैं या नहीं देखे हैं, मैंने तो देखा है। मैं चंबल में रहता था, जहाँ सिंधिया राजवंश का राज्य है, और सिंधिया राजवंश एक ऐसा राजे महाराजाओं का परिवार है जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अधिक ख्याल रखा, और इस कारण लेट मादर ऑफ सिंधिया जी के दोनों बच्चों की शादी मैंने देखी, जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी शादी बहुत ही विशेष थी। महाराज ने अपनी सारी प्रजा को न्योता दिया था, सारी प्रजा जिसकी संख्या लाखों में है वो किस तरह से आएगी, उसके लिए उन्होंने हजारों कर्मचारी तैनात कर दिए थे, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े ग्राउंड जहाँ पर लोग जाकर उस शादी को अटेंड कर सकते थे। इस तरह से एक राजाधिराज ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसका आयोजन किया। आज आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, बाइबल से आपने इस कथा को चूज किया, इसके पीछे कोई कारण है क्या? जी हाँ, एक विशेष कारण है। आज आप सब जानते हैं कि यहाँ एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। उस राजाधिराज ने जनता के प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रीति भोज का आयोजन किया था, और जब हम उसे आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से प्रीति भोज में उन्होंने सबको बुलाया था। एग्जैक्टली उसी प्रेम के कारण। आप पूछेंगे कि आज प्रीति भोज हुआ है किस खुशी में? आज तो कोई त्यौहार नहीं है। जी नहीं, कोई त्यौहार नहीं है। आज किसी की बर्थडे है क्या? जी नहीं, किसी के बर्थडे नहीं है। आज कुछ विशेष बात है क्या? जी नहीं, कुछ भी विशेष नहीं है। तो यदि कुछ भी विशेष नहीं है तो आज प्रीति भोज का आयोजन क्यों हुआ? इसलिए कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने संसार के सृष्टा राजाधिराज ने जिस पार्टी का आयोजन किया था, एग्जैक्टली उसी के समान उस राजाधिराज के अनुयायी हम लोग अपना प्रेम, अपना स्नेह प्रकट करना चाहते हैं, और अपन भारतीय लोगों के लिए आपस में स्नेह और प्रेम को प्रकट करने के लिए जो कई तरीके हैं उसमें से एक तरीका है जम के खान पान किया जाए या चाय पानी की जाए। तो हमने सोचा कि खान पान किया जाए, आपसी प्रेम को प्रकट करेंगे, लेकिन ये हम आपके प्रति जो प्रेम प्रकट कर रहे हैं उस प्रेम का नमूना प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि राजाधिराज ने अपने बेटे की शादी के लिए एक भोज का आयोजन किया, अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को
विवाह के भोज में बुलाए। हम जानते हैं कि जब भी कोई भोज होता है तो लोग तो ये मना के चलते हैं कि हमको भी निमंत्रण मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन इस जो घटना को जो प्रभु ने बताया, यहाँ एक विचित्र बात हम देखते हैं। क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। कैसी विचित्र बात है, संसार के सृष्टा राजाधिराज अपने पुत्र के विवाह के लिए लोगों को बुलाया, उन्होंने दासों को भेजकर उन्होंने लोगों से कहा कि आ जाओ, समय हो गया है और लोग आने को तैयार नहीं है। आगे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं वे लोग उपेक्षा करके चले गए, मतलब कंधे उचका के, खाना खान पान, अरे मेरे 50 काम पड़े हैं, मैं क्या खाने को आऊंगा। यहां देखिए लिखा हुआ है कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार को चला गया, ठीक है इतनी बात तो हम मानते हैं। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, ऐसा कोई करता है क्या? आपको भोज के लिए बुलाया, राजाधिराज ने बुलाया, भोज में ना जाना चाहे ये बात अलग है, विचित्र है लेकिन ये बात अलग है, लेकिन जो बुलाने के लिए गए थे उनका अपमान किया। आगे हम क्या देखते हैं, ये एक विशेष बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। उसकी व्याख्या करने से पहले मैं आगे जो लिखा है वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है राजा ने क्या किया, अपने दासों से कहा, राजाधिराज ने दासों से कहा विवाह का भोज तैयार है, नियंत्रित लोग निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको विवाह में बुला लाओ। दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको एकत्रित किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मेरे प्रिय दोस्तों, इस घटना से मेरे और आपके जीवन का कोई संबंध है क्या? जी हाँ, बहुत अधिक संबंध है। इसीलिए तो ये घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम में से कई लोगों को ये गलतफहमी है कि इस संसार के सृष्टा बहुत ही क्रूर कोई व्यक्ति है जो डंडा लेकर बैठा हुआ है कि जो गलती करो उसको दो लठ दे दो। नहीं, संसार के सृष्टा ने मुझे और आपको सजा देने के लिए या हमारे जीवन में हमको परेशान करने के लिए हमारी सृष्टि नहीं की है। सृष्टा ने मेरी और आपकी सृष्टि इसलिए की कि मेरे और आपके जीवन में हर तरह का अनुग्रह मिले। सृष्टा इस बात को भी जानते थे कि मनुष्य की सृष्टि करने के कुछ सालों के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि लोग हर चीज़ को कंट्रोल करने लगेंगे, हर चीज़ को नियंत्रित करने लगेंगे, और इस कारण मेरे बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका मैं उदाहरण बता दूं, हम सब ने गांव का जीवन देखा है। मेरी भी पैदाइश एक गांव की है, यहाँ से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव में मेरी पैदाइश हुई थी। केरल आपने देखा है, हर जगह लहलहाते हुए पेड़, फल के वृक्ष, अब तो फल के वृक्ष कम हो गए हैं लेकिन मेरे बचपन में हर जगह इस तरह के लगे रहते थे। इस तरह का कोई शहर या गांव होता है तो कोई व्यक्ति गांव से होकर जाता है और उसको यदि खाने के लिए किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वो किसी से भी मांग सकता है और लोग खुशी खुशी उसको दे देते हैं।
मैं अपने चंबल इलाके का बता दूं, वहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शक्कर हमारे इलाके का है, डबरा का शक्कर। गन्ना जिस सीज़न में कटता है उस सीज़न में यदि आप गाँव से होकर गुजरें तो सैकड़ों ट्रक और सैकड़ों बैलगाड़ियाँ भर भर के गन्ने फैक्ट्री में ले जाते हुए दिखते हैं। और यदि आप में से उस किसी ट्रैक्टर को या बैलगाड़ी को रोक कर कहें कि भैया दो चार गन्ने दे जाओ, तो वो कहता है भाई साहब आपको जितने गन्ना चाहिए ले लीजिए, वो गाड़ी रोक कर बाकायदा उसमें से अच्छा गन्ना देख कर खींच खाँच के निकाल के आपको देता है। मैंने बहुत बार देखा है। हम लोग तो सीजन में, हमारे चर्च में एक अंकल थे जिनके पास जो है पुरानी खटारा कार थी, कार में हम लोग गाँव में जाया करते थे, तो बैलगाड़ी वाला जब कार वाला आके रुका है तो उसको गन्ने देने के बाद जब कार वाला पूछता था कि भैया कितने पैसे हुए, तो वो बड़े आराम से पैसा मांग सकता है। क्यों? कार वाला है तो कम से कम बैलगाड़ी वाले से अमीर है। लेकिन आज तक किसी भी गांव वाले ने पैसा नहीं मांगा। अरे वो बोला साहब जी आप कैसी बात करते हैं, आपने मुझसे गन्ना मांगा, मेरी खेती हुई है, मैं आपको खुशी खुशी दे रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसी तरह से हमारे इलाके में एक चीज की खेती बहुत होती है, मूली। मूली जहाँ खेती होती है वहाँ मूली लगभग पक जाए तो किसी भी खेत पर चले जाइए, किसान से कहिए कि भैया जरा मूली खिलाओ, तो आप चार जने हैं तो वो कम से कम छः मूली वहाँ से उखाड़ कर लाएगा और सर्वोत्तम मूली उखाड़ कर लाएगा, आप धोकर आपके सामने रखेगा, बाकायदा नमक और मिर्च ला के देगा, पानी ला कर देगा, और जब आप खा कर तृप्त हो जाएं तो वो कहेगा कि भाई साहब घर ले जाने के लिए चाहिए क्या, और जब आप उससे पैसे के लिए पूछेंगे तो कहेगा नहीं। देखिए ये उसकी रोजी है, याद रखें, उसको बेचकर उसका काम चलता है। लेकिन गांवों में ये प्रैक्टिस है कि खान पान पर कोई रोक नहीं है, आपने मांगा उसने दिया और उसने उदारता से दिया। हाँ एक चीज और है, हमारे इलाके में चने बहुत लगते हैं, तो चने के पौधे जब एकदम से पक के खड़े होते हैं, आप जाकर किसी से कहिए कि भैया कुछ छोले देना, तो वो बाकायदा उखाड़ कर आपके हाथ में रख देगा और कुछ आपको घर ले जाने के लिए भी देगा। वो किसान बहुत धनी नहीं होता है। हमारे इलाके में तो कई किसानों की जरा सी जमीन होती है, उसको बेचकर उसे अपने परिवार का काम देखना होता है, लेकिन नहीं, वो किसी तरह से रोक टोक नहीं बोलता है। हाँ ले जाइए भाई साहब आपको जितना चाहिए। मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूँ, ये घटना उस संस्कृति में हुई है जब हरेक को बुलाना हरेक को देना लोगों की आदत थी। प्रभु यीशु ने ये कहानी क्यों सुनाई, इसके पीछे एक कारण है। प्रभु इस बात को याद दिलाना चाहते थे कि देखो यदि मनुष्य जिसके पास जितनो वो चाहे गन्ना नहीं होता है, सीमित अमाउंट होता है जिससे उसके परिवार का खर्च चलना है, एक सीमित संख्या में मूली वो खेती करता है, छोले खेती करता है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति जाकर उससे मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो उदारता से देता है और अक्सर पैसा लेने को मना कर देता है। यदि मनुष्य इतना उदार है तो संसार के सृष्टा प्रभु जब वो देते हैं तो पूर्ण उदारता के साथ देते हैं। क्या देते हैं? सब कुछ देते हैं। लेकिन प्रभु इस बात को जानते थे कि एक समय आएगा जब लोगों के सामने तंगी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, जाकर उससे मांगेंगे तो वो कहेगा भैया कुछ पैसे दे जाओ, मूली ले जाओ, बाजार का पैसा नहीं लेकिन कुछ दे जाओ, गन्ने ले जाओ लेकिन कुछ पैसा दे जाओ। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कि
कहेंगे कि पहले पैसा रखो उसके बाद ले जाओ। इस कारण प्रभु ने एक काम और किया, मूली ना मिले अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, गन्ना ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रभु ने मनुष्य के लिए मुफ्त कर दिया। वो कौन सी चीज है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप 4 मिनट या 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते? हवा। हवा कोई प्रतिबंध लगा सकता है क्या कि अब हवा हम बंद करने जा रहे हैं? हवा को कैसे बंद करेंगे? प्रभु ने हवा हर जगह दी है। पानी, पानी के ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कहेंगे शास्त्री सर कैसी बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले महीना महीना फीस लेते। अरे म्युनिसिपैलिटी वाला हर दिन बिजली खर्च करके करोड़ों रुपए के पंप लगाकर और हजारों करोड़ों रुपए के बांध बनाकर आपको घर तक पानी पहुंचा रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा तो लेगा। फिर भी आपके घर में आपको जो चीज मिलती है उसमें सबसे सस्ती चीज कौन सी है? पानी है। पेट्रोल के लिए जिस तरह से पैसा लेते हैं 75 रुपए लीटर, पानी के लिए लेने लगे तो हम सब की क्या हालत हो जाएगी? थोड़ा बहुत पैसा म्युनिसिपैलिटी वाले लेते हैं इसलिए कि उनको आपके घर तक पहुंचाने के लिए खर्चा आता है। लेकिन मान लीजिए यदि आपके घर के पास कोई तालाब है, नहर है, नदी है, तो म्युनिसिपैलिटी वाला ये कहेगा क्या कि वहाँ जाकर पानी बाल्टी भर पानी भरने से पहले मुझसे टोकन ले जाओ? नहीं। मनुष्य को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हवा, पानी और प्रकाश, और उसके बाद बरसात, ये चीजें प्रभु ने मुफ्त रखी है, कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जो देते हैं उदारता से देते हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा एक चीज और है जो बिना प्रतिबंध के, बिना कीमत के, बिना किसी मनुष्य के कंट्रोल के प्रभु हमको देते हैं, और वो है मुझे और आपको अपने जीवन में जो मुक्ति चाहिए। आप कहेंगे मुक्ति ये क्या चीज है? देखिए, जिसने भी जो भी इस संसार में आया है उसके बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कल को जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु कहेंगे नाम, प्रभु शास्त्री फिलिप। अच्छा, तुम बड़ा अपने आप को शास्त्री कहते फिरते हो, तुम्हारे जीवन का जरा लेखा दोखा। जब लेखा जोखा लेने की बात आएगी तब मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से ज्यादातर लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रभु से कह सके प्रभु आपने मुझे 60, 70, 80 या 90 साल का जीवन दिया और हे प्रभु मैंने ऐसा जीवन बिताया कि आपको मानना पड़ेगा कि मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं और मैं आपका बच्चा हूं। कौन कह सकता है? मैं नहीं कह सकता। आपको यदि लगे कि आपका जीवन पवित्र है तो जरा सिर्फ इतना काम कर लीजिए। मैं अक्सर बोलता हूं ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अगले 24 घंटे आपके मन में जो कुछ होकर गुजरता है उसके एक पेपर पर लिख लीजिए, उसके बाद आप ले जाकर किसी को दिखाना चाहेंगे क्या? कोई नहीं दिखाना, मैं तो नहीं दिखाना चाहूंगा। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी ईश्वर के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि हे प्रभु मैं शुद्ध हूं या मैं पवित्र हूं। अब सवाल यह है कि हम जो प्रभु की नजर में शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं, हमारा क्या होगा? जब हम इस जीवन को छोड़कर चले जाएंगे तब हमारा क्या होगा? उसके लिए प्रभु ने स्वयं एक रास्ता खोला है।
और इस रास्ते को खोलने के लिए ही आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में पधारे थे और प्रभु ने 3.5 साल जो शिक्षाएं दी थी, इन 3.5 सालों में बार बार ये बात याद दिलाई थी कि मेरे बच्चों तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको एक नया जीवन देने के लिए मैं इस संसार में पधारा हूँ और मैं सूली पर अपना जीवन जो अर्पित करने जा रहा हूँ वो तुमको एक नया जीवन देने के लिए अर्पित करने जा रहा हूँ। और जैसा प्रभु ने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही 3.5 साल के सेवा काल के बाद प्रभु ने अपने आप को अर्पित कर दिया। लोगों ने धोखे से प्रभु को सूली पर टांग दिया, उनकी हत्या कर दी, लेकिन प्रभु ने एक बात कहा था, शरीर रूपी इस मंदिर को मार डालो लेकिन 3 दिन के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उनको सूली देने के बाद, सूली पर उनकी हत्या करने के 3 दिन के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए और 40 दिन तक हजारों लोगों को दर्शन दिया। प्रभु ने कहा था कि सूली पर की कुर्बानी मैं तुम्हारे पापों के लिए देने जा रहा हूँ और उस कुर्बानी को प्रभु ने ग्रहण कर लिया है, इसका प्रमाण होगा कि मैं पुनर्जीवित हो जाऊँगा, फिर से जीवित हो जाऊँगा। आज से 2000 साल पहले प्रभु ने अपने जीवन की कुर्बानी इसलिए दी थी कि मुझे और आपको एक नया जीवन दे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति उस नए जीवन को पा सकता है जिसके कारण कल को जब प्रभु के सामने आप खड़े होंगे और प्रभु पूछेंगे कि अरे शास्त्री तेरा क्या होगा, हिंदी का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है वो, तो मैं कहूँगा कि हे प्रभु, आज से कुछ साल पहले मैंने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। हाँ, तब प्रभु कहेंगे तुमने ग्रहण किया था, और जब तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था तब मैंने तुमको मुक्ति प्रदान की थी जिसके लिए किसी भी मनुष्य को कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, तुम मुक्ति प्राप्त व्यक्ति हो और इसलिए शाश्वत जीवन है मेरे बेटे तुम्हारा है, तुम मेरे इस तरफ आ जाओ। हम ये सत्संग जो यहाँ करते हैं इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि हर व्यक्ति को ये बता सकें कि आप जीवन में इतना कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन आपके भविष्य के लिए प्रभु ने जो किया है, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को समझकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। यहाँ हम जिस भोजन के बारे में देख रहे थे वहाँ आगे एक घटना होती है, वहाँ देखते हैं जब राजाधिराज अतिथियों को देखने के लिए भीतर आए तो वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजाधिराज ने उस व्यक्ति से पूछा, हे मेरे दोस्त, विवाह भोज में आए हो लेकिन विवाह के लिए जिस तरह का वस्त्र होना चाहिए उसे पहने बिना तुम अंदर कैसे आ गए? वहां लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। इस घटना के पीछे एक विशेष बात थी, जब किसी व्यक्ति ने या कोई व्यक्ति यदि आपको विवाह के भोज में बुलाता है तो आप नंग धड़ंग ही चले जाएंगे क्या? नहीं। फटे कपड़े पहन के जाएंगे क्या? नहीं। इवन गरीब से गरीब आदमी यदि कपड़े फटे हो तो बाकायदा उसको रफू वगैरह करके कलप देके, धो के सुखा के कलप देके प्रेस करके जाएगा। भाई ये तो मनुष्य समाज का कायदा है कि हम यदि किसी विवाह भोज में जाते हैं तो अमीर हो गरीब हो अपने हिसाब से पहनता है, लेकिन जो भी पहनता है वो विवाह के लिए उपयुक्त होता है। यहां वो आदमी पहुंच गया शादी में,
हजारों लोग, 10,000 लोग राजाधिराज के विवाह में पहुंचे, एक आदमी ऐसे ही पहुंच गया। भाई हम जानते हैं मनुष्य समाज का कुछ कायदा होता है, राजाधिराज की इज्जत तो करनी है, राजकुमार की इज्जत तो करनी है, लेकिन कम से कम समाज का कायदा ये है कि सब जगह सब लोग नए वस्त्र में आए हैं और हम ऐसे ही पहुंच गए, ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। इस कारण जब राजाधिराज ने पूछा, हे मेरे मित्र, जब इतनी बड़ी पार्टी में तुम आए हो तो ऐसे कैसे चले आए? यहां लिखा है कि उसका मुंह बंद हो गया। क्यों? उसने जो किया था वो गलत था, इसीलिए तो उसका मुंह बंद हो गया। यदि गलत नहीं होता तो वो कम से कम कह सकता था कि महाराज मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, मेरे पास जो सर्वोत्तम है हे प्रभु मैं उसको पहन के आया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता था क्योंकि वो झूठ होता। वो जानबूझकर उस सभा में बिना तैयार हुए गया। प्रभु ने कहा ले जाओ उसको। देखिए आगे लिखा है, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। ऐसा राजाधिराज ने क्यों किया? इसलिए कि उस सभा में जाने के लिए उसकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन राजाधिराज ने उसको ऐसी जगह पर न्योता दिया जहां जाने की उसकी कोई योग्यता नहीं है। क्यों? राजाधिराज की दया, उस दया का, कम से कम उस दया का ख्याल रखते हुए उसे अपना सर्वोत्तम वस्त्र पहनकर जाना चाहिए था। उसने राजाधिराज की दया का धिक्कार किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संसार के सृष्टा जब हमको बुलाते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, उद्धार दूंगा, तब इस न्योते को बार 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 सुनने के बावजूद यदि हम उसका तिरस्कार करके इस तरह की सभाओं में आते जाते रहते हैं, तो प्रभु जब मुझसे पूछेंगे कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू तो उस सभा में जाता था ना जहां वो शास्त्री फिलिप तुमको प्रभु का संदेश सुनाते थे, एक से एक भाई लोग खड़े होकर गाना गाते थे, सूचना देते थे, बच्चे जो तुमसे कितने ही छोटे हैं, जो समाज की कुछ बात नहीं समझते, उन लोगों ने बाकायदा प्रैक्टिस करके तुम्हारे सामने ईश्वर का संदेश सुनाया, और सब कुछ जानते हुए, अकलमंद होते हुए, बुद्धि होते हुए तुमने मेरा तिरस्कार किया। प्रिय भाइयों, क्या जवाब होगा हमारा? मेरा जवाब तो ये होगा, हे प्रभु, मैं जब 5 साल का था तब ये संदेश मैंने अपने पिताजी से सुना, और प्रभु उसी समय वहां घुटने टेक कर मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आज इस सभा में ऐसे कई भाई और बहन लोग हैं जो यही बात कह सकते हैं, मैं 5 का था, मैं 10 का था, 15 का था, 20 का था, 30 का था, 40 का था, 50 का था या 60 का था, मैंने प्रभु को ग्रहण किया और इसलिए ये नया जीवन मुझे मिल चुका है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज तक इस नए जीवन को प्राप्त नहीं किया है। आज शाम को मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, संसार के सृष्टा आपको बुलाते हैं, इस संध्या को बुला रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुमको एक नया जीवन दूंगा। उस जीवन को पाकर ही इस सभा से आप जाएं। आप कहेंगे, शास्त्री सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, पहली बार नहीं, आपको 50 बार ये बात सुनाने और समझाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। खान पान हो जाए उसके बाद आराम से आकर बैठिए, ये बात हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ सामने पीछे कई भाई लोग उपलब्ध हैं, कई बहन लोग उपलब्ध हैं, बच्चे शायद परीक्षा के कारण खिसक लिए हैं, जो
गा बजा रहे थे, इवन उनसे आप पूछेंगे तो वो ये डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस नए जीवन को अपने जीवन में पाया है। लेकिन हाँ, आज इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले इन बातों का यकीन कर लें, इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में दृढ़ निश्चय, मुक्ति के दृढ़ निश्चय को पा लेने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।